अभी हमारे पास एक होंडा कंपनी की SP125 BS6 आई हुई है, जिसमें कि हमें इस बाइक का सर्विस करना है। सर्विस यानी कि चक्का, हैंडल वगैरह ये सब जो है ग्रेसिंग करना है। इसके साथ ही मैंने बाइक को चला कर देखा तो हमने ये देखा कि इंजन से जो है GPD की साउंड काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो गाइस हमें ये देखना है कि GPD की साउंड असल में है कि नहीं है, उसकी आवाज़ ही आपको सुनाएंगे। और हमें वो GPD चेंज नहीं करना है, उस GPD को खोल कर जो है सिर्फ उल्टा करके लगा देना है। तो देखते हैं उससे कुछ बदलाव आता है कि नहीं। ये कंप्लेन सभी बाइक्स में नहीं होता, हालांकि किसी किसी बाइक्स में जो है ऐसा कंप्लेन आया हुआ है। अभी ये बाइक जो है 12,718 किलोमीटर टोटल चली है और मैं देख रहा हूँ इंजन में जो है काफ़ी ज़्यादा साउंड है, काफ़ी ज़्यादा हाई हाई ऐसा ऐसे की आवाज़ आती है। हमने एक माइक जो यहाँ पे लगा रखा है जो कि मैं आपको इंजन की डायरेक्ट साउंड सुना सकूँ, ठीक है। यहीं पर इस साइड में ही साउंड आ रहा क्लच के साइड से, तो वो आवाज़ जो है आपको सबसे पहले सुनाएंगे। GPD के अलावा बाकी और भी कोई साउंड नहीं है। ऐसे अगर खाली न्यूट्रल में अगर बाइक का रेस हम खींचते हैं तो ऐसे कोई भी आवाज़ नहीं आती है, साउंड नहीं करता है GPD। वो GPD जो साउंड आता है वो गियर लगाने के बाद ही आता है। देखिए मैंने ये गियर, एक गियर जो है आगे होता है, एक गियर मैंने लगाया। देखिए मैं जब गियर लगा के आगे की ओर भगाता हूँ तो वो आवाज़ आती है, हन जैसा आवाज़ आता है। ये साउंड इतना ज़्यादा है कि अगर अगल बगल में कोई भी बाइक चलता है तो उनमें से ज़्यादा आपको इसी के साउंड पता चलेगी, काफ़ी बेकार लगता है सुनने में। तो चलिए फटाफट उसे हम खोलते हैं, क्लच का चैम्बर खोलेंगे और देखेंगे GPD को उल्टा करके लगा के देखेंगे, बस हमें नया नहीं लगाना है और बाकी इसका सर्विस करेंगे। तो देखिए ये है GPD, गियर प्राइमर ड्राइव हम बोलते हैं, फुल नाम है इसका GPD शॉर्टकट नाम है, ये GPD है। अब हमें क्लच का पूरा ये पोजीशन खोलना है, क्लच का जो प्लेट है और ये क्लच हाउसिंग की बाहर निकालना है, तभी हम GPD को चेंज कर पाएंगे। देखते हैं GPD। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से होता है GPD। वैसे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि क्या दिक्कत हुआ है। हम लोग सिर्फ डायरेक्ट इसे चेंज कर देते हैं तो आवाज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। देखिए ये जो ग्रीन कलर का इसमें पेंट जो लगा हुआ है, ये अभी ऊपर था, इसको क्या करेंगे हम ऐसे अंदर करके लगा देंगे, ठीक है। उल्टा करके हमें लगा देना है, दोनों साइड बिल्कुल सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यह बेहतर होगा कि आप इसे बदल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कंप्लीट गाइज, हमने वो काम कर दिया, GPD को जो है हमने उल्टा करके लगा दिया। अब बाइक को स्टार्ट करके हम जो है चला कर देखते हैं। ये हमने एक गियर में लगा लिया, देखिए मैं इसे चेक कर रहा हूँ। तो गाइज वाकई में पहले से काफी, देखिए ये मैंने ब्रेक दबाया, एक नंबर के गियर में है। अब जैसे मैं आगे की ओर भगाऊंगा, ये देखिए पहले से जो है आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। ख्याल से आपने वो आवाज़ सुन लिया होगा कि पहले से जो है वाकई में फ़र्क पड़ा है ये साउंड में। अगर आप पूरी तरीके से इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको जो है GPD पिनियन और क्लच का जो हाउसिंग है वो पूरा कंप्लीट बदलना होगा, होंडा का जर्मिन आपको लगाना होगा, तभी बिल्कुल वो जो है साइंस की जो साउंड है वो ख़त्म हो जाएगी।